आम्रपाली दुबे बीड़ी पीने को मजबूर थे। जी हाँ, आम्रपाली और काजल राघवानी को पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ये दोनों एक साथ लाइव आई अपने दर्शकों के लिए और ये बताया कि अब इन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। यहाँ पर काजल राघवानी के कई क्वेश्चंस के आंसर दिए भाई आम्रपाली दुबे ने। तो आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे ने यहाँ क्या क्या कहा। आम्रपाली दुबे ने यहाँ पर अपनी फेवरेट हीरोज हीरोइन और किसे वो भोजपुरी में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश मानती हैं और उनकी भोजपुरी में कौन सी फेवरेट सिंगर हैं, सभी के बारे में बात की। तो भाई रवि किशन को वो भोजपुरी का सबसे अच्छा अभिनेता मानती हैं और सबसे अच्छी सिंगर उनके लिए कल्पना है। तो हीरोइनों के लिए वो रिंकू घोष का नाम तय करती हैं कि उन्हें रिंकू घोष बहुत अच्छी लगती हैं। तो भाई सभी ने उनसे एक ही सुर में एक क्वेश्चन पूछा कि वो सबसे ज़्यादा निरहुआ के साथ क्यों दिखाई देती हैं। तो इस पर आम्रपाली ने जवाब दिया कि दर्शकों को मेरी जोड़ी उन्हीं के साथ अच्छी लगती है और ऐसा नहीं है कि मैं औरों के साथ काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो केमिस्ट्री निरहुआ के साथ बनती है वो किसी और के साथ नहीं आ पाती। खैर आगे बात करते हुए आपको बता दें कि भाई ऐसे ही एक वियर्ड क्वेश्चन और आया। किसी दर्शक ने उनसे पूछा कि आप शराब सिगरेट या फिर इनमें से कोई भी चीज़ों को लाइक बीड़ी तक को हाथ लगाती हैं। तो हंसते हुए आम्रपाली ने ये कहा कि मुझे बीड़ी पीनी पड़ी थी, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में मेरा जो कैरेक्टर है वो बीड़ी पीता है और मुझे बीड़ी जब पीनी पड़ती थी तो आप यकीन मानिए मेरा पूरा होठ एकदम अजीब सा कड़वा हो जाता था और मैं खाना तक नहीं खा पाती थी, लेकिन कैरेक्टर के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। वाकई यकीन मानिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा भी था, क्योंकि इस वक्त तब मैं खाना नहीं खा पाती थी, अपनी मनचाही चीज़ों को देखकर मेरे मन में लालच होती थी लेकिन उन्हें खा नहीं पाती थी, और खाना खाती भी थी तो उसका टेस्ट बहुत अजीब आता था, मेरे होठ पूरे टाइम कड़वे ही रहते थे। और अपने दर्शकों के अनुरोध पर तब यहाँ पर आम्रपाली दुबे ने भाई सभी के सामने भोजपुरी भी बोली और काजल राघवानी के कई क्वेश्चंस के आंसर दिए। काजल राघवानी ये सब कुछ इसलिए इस वक्त कर रही हैं ताकि वो अपने दर्शकों के बीच बनी भी रहें और उनका एंटरटेनमेंट भी कर सकें। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।